गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स पेपर थर्ड प्रकाशिकी ऑप्टिक्स की सेकेंड यूनिट में हमने विवर्तन के टॉपिक को स्टार्ट किया था। जैसा आपको पता है कि किसी तीक्ष्ण धार पर तरंगों की मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। हमने पहले लेक्चर के अंदर विवर्तन क्या होता है, ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, प्रकाश का प्रेक्षित नहीं हो पाता, इसके क्या कारण है, विवर्तन की क्या शर्त है, और तत्पश्चात प्रकाश के विवर्तन दो तरह के होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। नाउ उसी सीक्वेंस में हमने फ्रेनल विवर्तन को प्रारंभ किया था, और फ्रेनल विवर्तन के अंदर हमने बात करी थी कि फ्रेनल विवर्तन को समझने के लिए हमने अर्धावर्ती कटिबंध के कंसेप्ट को काम में लिया था। बेसिकली फ्रेनेल ने परिमित दूरी पर रखे बिंब का जो प्रतिबिंब या विवर्तन है वो परिमित दूरी पर देखा था, और उसके लिए उसने अर्धावर्ती कटिबंधों की सहायता ली थी। अर्धावर्ती कटिबंध क्या है? फ्रेनेल ने जो हमारा आपतित तरंगाग्र है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स माने। हमने माना कि हमारा प्रेक्षण बिंदु जो है उससे आपतित तरंगाग्र पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस तरह से बनने जाए कि अगर केंद्र की दूरी b है तो b प्लस लेमडा बाई टू, b प्लस टू लेमडा बाई टू, b प्लस थ्री लेमडा बाई टू, इस तरह से b प्लस n लेमडा बाई टू के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए। अगर इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल से जो जोन बन रहे हैं उनको देखें तो जो दो क्रमागत जोन है उनके मध्य पथांतर लेमडा बाई टू अर्थात हाफ ऑफ द वेवलेंथ मींस जिनसे तरंगों के आने में जो समय लगना है उसका अंतर टी बाई टू होगा, मींस अर्धावर्ती हाफ पीरियड, और इसीलिए इनको नाम दिया अर्धावर्ती कटिबंध, क्योंकि यहां जो दो क्रमागत कटिबंध हैं उनके मध्य लेमडा बाई टू का पार्ट डिफरेंस है, यानी विपरीत कला में होंगे पहली बात। दूसरी बात, इनके मध्य आने का जो समय है अंतराल आएगा वो टी बाई टू आएगा, इसलिए इनको अर्धावर्ती कटिबंध नाम दिया। इन अर्धावर्ती कटिबंधों की अगर हमने पिछली कक्षा में त्रिज्या निकाली तो हमारा जो एनवा अर्धावर्ती कटिबंध था उसकी त्रिज्या आ रही थी रूट एन बी लैम्डा, मीन्स एनवे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या रूट एन बी लैम्डा है। बी हमारा नियत है, लैम्डा फिक्स है, तो त्रिज्या रूट एन पर डिपेंड करेगी, मीन्स जो अर्धावर्ती कटिबंध है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात रूट वन इज टू रूट टू इज टू रूट थ्री इज टू रूट फोर इज टू रूट फाइव इज टू, इस तरह से होगा। इसी में जब हमने क्षेत्रफल की गणना की तो हमने पाया कि लगभग सभी अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल समान है, और वो कितना होगा, पाई बी लैम्डा, इस जितने भी कटिबंध है उनका क्षेत्रफल समान है। अभी सिक्वेंस में हम फ्रेनेल के विवर्तन को पढ़ने के पहले आज हम बात करेंगे कि अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण कितनी तीव्रता है। अगर हमारा जो पूरा तरंगाग्र उसकी तीव्रता को कटिबंधों की तीव्रता के टर्म्स में देखें तो क्या होगा, तो देखिए यहां पर एक बेसिक बात यह है कि जैसे जैसे कोई कटिबंध दूर जा रहा है तो एक तो उसकी ऑब्जर्वेशन बिंदु पर दूरी बढ़ रही है, क्योंकि मान लीजिए एन माइनस वन का कटिबंध होगा बी प्लस एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, और एनवा कटिबंध की सीमा होगी बी प्लस एन लैम्डा बाई टू, यानी जो एनवा कटिबंध है उसकी जो निचला सिरा है वो तो बी प्लस एन माइनस वन लैम्डा बाई टू दूरी पर है, और जो ऊपरी सिरा है वो है बी प्लस एन लैम्डा बाई टू, यानी औसतन अगर बात करें तो जो एनवा कटिबंध है वो बी प्लस टू एन माइनस वन लैम्डा बाई फोर दूरी पर है, और जैसे जैसे एन बढ़ेगा ये दूरी बढ़ेगी। दूसरी बात, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे ऑब्लिगिटी बढ़ रही है, थीटा का मान बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं तिरेकता बढ़ती जाएगी। हम मूलतः जानते हैं कि अगर किसी क्षेत्र के कारण अगर हम आयाम की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक रीजन दे रखा है उसके आयाम की बात करें तो उसका जो आयाम है वो एक तो उस क्षेत्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, एक ऑब्लिगिटी फैक्टर वन प्लस कॉस थीटा एन पर निर्भर करेगा, और तीसरा दूरी पर। चूंकि हमने पाया है कि यहाँ जितने भी अर्धावर्ती कटिबंध हैं उन सबका क्षेत्रफल समान है, मीन्स ए तो सबका समान है, किंतु जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर के एक्सपीजेंट्स को देखेंगे
वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं थीटा एन का मान बढ़ेगा, और थीटा एन का मान बढ़ेगा मतलब कॉस थीटा एन का मान घटेगा। मीन्स यहां सेंटर पे इसकी वैल्यू क्यू है, वन प्लस कॉस थीटा एन जीरो, कॉस जीरो वन होता है तो टू है, वैसे इसे दूर जाएंगे तो कॉस थीटा एन का मान घटेगा। तो यानी पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाते रहते, इसके कारण भी हमारा आयाम घटेगा। साथ ही जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर के एचपीजेड पे जाएंगे उसके कारण जो परिणामी आयाम है वो घटेगा, क्योंकि एन में एचपीजेड के कारण परिणामी आयाम हमने यहां पर लिया है। इससे स्पष्ट है कि पहले से जो दूसरा कटिबंध है उसके कारण परिणामी आयाम कम होगा, दूसरे से तीसरे में कम होगा, तीसरे से चौथे में कम होगा। इस तरह से क्रमागत रूप से पहले से जैसे जैसे जाएंगे उनके कारण परिणामी आयाम घटता जाएगा। मीन्स ई वन इज ग्रेटर देन ई टू इज ग्रेटर देन ई थ्री इज ग्रेटर देन ई फोर एंड सो ऑन। अब हम सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इसमें घटाव कैसा है, यानी ई वन से ई टू घट रहा है और ई टू से ई थ्री घट रहा है। तो हम ये मानते हैं सामान्यतः कि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि E2 जो है वो E1 और E3 का मीन होगा, तो E2 का मान हो गया E1 प्लस E3 by 2। इसी तरह से E4 का मान हो जाएगा E3 प्लस E5 by 2। इसी तरह से E6 की बात करें तो उसका मान हो जाएगा E5 प्लस E6 by 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने N को AP में मान दिया। तो अगर हम पूरे जो हमारा कटिबंध है पूरे तरंगाग्र के कारण अगर परिणामी आयाम की बात करें, तो देखिए पहले के कारण अगर आयाम E1 है, दूसरे का कारण E2 है, E3 A4, तो परिणामी आयाम होगा E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 एंड सो ऑन। क्योंकि ध्यान दीजिए पहले से दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध में लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस है, दूसरे से तीसरे में है। तो अगर पहले को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे और तीसरे को पॉजिटिव लेंगे। तो अल्टरनेटिवली 1, 3, 5, 7, 9 जो ऑड नंबर के एचपीजेड्स हैं उनका परिणामी आयाम हमने धनात्मक लिया, और इवन नंबर के जो एचपीजेड्स हैं उनका परिणामी आयाम हमने नेगेटिव लिया। तो हमारा जो परिणामी आयाम आना है वो हो गया इवन माइनस ई टू प्लस ई थ्री माइनस ई फोर प्लस ई फाइव एंड सो ऑन। और लास्ट टाइम आ जाएगी माइनस वन की पावर एन माइनस वन ई एन, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। नाउ हम चाहें तो एक काम करते हैं, इवन के हमने दो हिस्से कर दिए, पहला कर दिया इवन बाय टू और दूसरा भी कर दिया इवन बाय टू। हमने जितने ऑड नंबर आ रहे हैं उनको सिंपलिसिटी के लिए उनके दो दो हिस्से कर दिए, हाफ हाफ ऑफ पार्ट। तो आप फाइंड आउट करेंगे इस तरह से एक सीरीज होगी। इसके पीछे एम है क्या, देखिए ये क्या होगा, इवन बाय टू माइनस ई टू प्लस ई थ्री बाई टू ये अपने आप में जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में माना है। इसी तरह से ई थ्री बाई टू माइनस ई फोर प्लस ई फाइव बाई टू ये जीरो हो जाएगा एंड सो ऑन। और इस तरह से हम ये जो ग्रुप्स बनाएंगे ये परिणामी शून्य हो गया, ये शून्य हो गया। तो हमारे पास ई क्या बचेगा, ई बचेगा पहली टर्म ई वन बाई टू और लास्ट। अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो सकती है, एन बाय टू भी हो सकती है यदि एन क्या है हमारा ऑड है, और हमारे पास ये टर्म थ्री टर्म्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है अगर ये इवन है, यानी ई एन माइनस वन बाय टू माइनस ई एन यदि एन इवन। मीन जो परिणामी आया है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मोर और लेस फर्स्ट और लास्ट एचपीजेड का, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं पहले के मुकाबले दूसरा, दूसरे के मुकाबले तीसरा। हम यहाँ जो एचपीजेड की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, कोई दो चार पांच नहीं है, नंबर ऑफ एचपीजेड्स हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये टर्म लगभग नेग्लिजिबल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिणामी आयाम है वो इवन बाय टू होगा। मीन्स लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि पूरे तरंगाग्र के कारण जो परिणामी आयाम है वो पहले अर्धावर्ती कटिबंध के परिणामी का आधा होगा। इट्स मीन अगर केवल एक एचपीजेड होता है, केवल एक अर्धावर्ती कटिबंध है, तो उससे जो परिणामी आयाम आना है वो पूरे तरंगाग्र से दुगना है। मीन्स केवल एक हमारे पास एचपीजेड आता है तो उसके कारण
आयाम भी ज्यादा होगा तीव्रता भी ज्यादा होगी। इसके आधार पर अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी, टोटल इंटेंसिटी विल बी आई वन बाय फोर। स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि इंटेंसिटी इसका स्क्वायर होती है, क्या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इट्स मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है कि हाफ पीरियड जोन्स के अंदर अगर हम देखें तो पूरे कटिबंध के कारण जो परिणामी आयाम आ रहा है वो पहले अर्धावर्ती कटिबंध के परिणामी का आधा है। दूसरी बात, इसको अगर पूरे तरंगाग्र के कारण तीव्रता देखें तो वो पहले तरंगाग्र या पहले एचपीजेड के कारण तीव्रता की एक चौथाई है। मीन्स अगर हमारे पास केवल और केवल एक एचपीजेड होता तो शायद तरंगाग्र से ज्यादा हमारी चार गुना तो तीव्रता होती और दो गुना आयाम होता। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। अभी तक हमने जो बात करी उसके हिसाब से एचपीजेड के कंसेप्ट की बात करी। एचपीजेड वैसे एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जिसको फ्रेनल ने एक इमेजनरी पार्ट लिया। इसी के आधार पर हम आगे के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। हमारे जो तीन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है कि एचपीजेड की अगर तरंगाग्र में केंद्र से दूरी यानी तिरछा देखें तो रूट एन बी लैम्डा होती है। जितने भी अर्धावर्ती कटिबंध है सभी का क्षेत्रफल लगभग समान है, पाई बी लैम्डा है। तीसरी बात हमने देखी कि इसके कारण जो परिणामी आयाम है वो पहले अर्धावर्ती कटिबंध के आधे के तुल्य है या तीव्रता पहले अर्धावर्ती कटिबंध की तीव्रता की एक चौथाई है। ये एचपीजेड के हमने कुछ स्टैंडर्ड्स लिए, ये हमने किए। अब इसके आधार पर हम फ्रेनेल विवर्तन समझेंगे जहां हमारे पास अभी एलिमेंट्री लेवल पे तीन चीज सिलेबस में है। पहला है वृत्ताकार द्वारक के कारण विवर्तन, दूसरा वृत्ताकार डिस्क के कारण विवर्तन और तीसरा स्ट्रेट एस के कारण विवर्तन। आगे की कक्षाओं में हम इन विवर्तन की बात करेंगे। जहां तक एग्जामिनेशन के पॉइंट की बात है अभी तक के पार्ट में हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो सामान्यतः पूछे जाते हैं कि अर्धावर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल आदि के बारे में, तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अगली कक्षा में फ्रेनेल के विवर्तन को पढ़ेंगे। थैंक यू।